नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीश्वर। आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट बधाई हो में। एक फेमस क्रिकेटर, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति वही हैं जिसे आप ढेर सारा प्यार देते हैं। अरे हम सबके चाहते विराट कोहली, और आज उनकी बात कुछ ऐसे निकल गई कि आज उनका बर्थडे है और हमने सोचा कि हम सब मिलकर उन्हें विश कर देते हैं। तो चलिए विश करते हैं उन्हें। टैलेंटेड इंडिया की पूरी टीम की ओर से विराट कोहली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विराट कोहली 31 साल के हो गए हैं और आप लोगों को पता है वे आज अपना बर्थडे भूटान में अपनी पत्नी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फिलहाल क्रिकेट से दूर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भूटान में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के खास मौके पर विराट अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ एक छोटे से वैकेशन पर निकले हैं। मौजूदा क्रिकेट जगत में कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहे जाते हैं। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए विराट कोहली ने भारत के लिए 2008 का अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पास एक बेहतरीन कप्तान और एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली है। तब से कोहली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल महानता की सीढ़ियां चढ़ते गए। एक समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले विराट कोहली इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और हर महान बल्लेबाज पीछे छूट जाएंगे। विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में अपना T20 डेब्यू किया था। आज विराट कोहली के जन्मदिन पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कोहली ने साल दर साल रनों का पहाड़ खड़ा किया है। इन दिनों विश्व क्रिकेट में उनके मुकाबले सभी खिलाड़ी फीके हैं। किंग कोहली अगर मैदान पर उतर गए तो समझ लो शतक तो लगभग तय ही होता है। विराट कोहली 2008 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतकर सुर्खियों में आ गए थे। उनकी कप्तानी में भारत ने यह ट्रॉफी जीती थी। क्रिकेट की दुनिया में अपने खेल से रिकॉर्ड्स की बौछार लगाने वाले कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के बाद से लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विराट कोहली ने अब तक 82 टेस्ट मैचों में 54.77 की औसत से 7,066 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट के नाम 26 शतक दर्ज हैं। वहीं 239 वनडे में विराट 60.31 की औसत से 11,520 रन बना चुके हैं। वनडे क्रिकेट में विराट ने 43 शतक जड़े थे। T20 क्रिकेट की बात करें तो विराट ने 72 T20 मैचों में 50 की औसत से 2450 रन बनाए हैं। चलिए किंग कोहली के जन्मदिन पर उनसे जुड़े कुछ किस्से भी हम सुनी लेते हैं। विराट का नाम चीकू है, ये तो सभी को पता है, लेकिन कैसे ये तो हम आपको बताएंगे। विराट को भले ही लगता हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दूसरों को शायद ऐसा नहीं लगता। युवराज सिंह ने अपनी किताब टेस्ट ऑफ माई लाइफ में लिखा था कि उन्हें लगता था कि विराट कोहली को चीकू निकनेम मशहूर कॉमिक किताब चंपक से मिला, जिसमें इस नाम का एक चरित्र है। भारतीय टेस्ट कप्तान ने हालांकि इसका खुलासा किया है कि उन्हें यह निकनेम फल से मिला है। एक शाम को वह बाल काटकर होटल लौट रहे थे। उसने पास ही में नया हेयर सलून देखा और वहां से बाल काटकर नए लुक में आ गए वे। उन्होंने पूछा कि यह कैसा लग रहा है, तो सहायक कोच अजीत चौधरी ने कहा कि तुम चीकू लग रहे हो। तभी से उनका नाम चीकू पड़ गया और उन्हें बुरा भी नहीं लगता। ये कहा जाता है कि विराट पाकिस्तान की टीम में होते। आखिर कैसे? भारत में अब भी लाखों लोग 1947 में हुए देश के बंटवारे के समय हुए दर्दनाक लम्हों को नहीं भूल सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद कई खिलाड़ी एक दूसरे के विरोधी बनकर मैदान में उतरने लगे थे। खेल के मैदान पर भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम में एक नाम विराट कोहली का भी हो सकता था। इसी बंटवारे का दर्द विराट कोहली के परिवार ने भी झेला था। कोहली का परिवार पाकिस्तान से 1947 में मध्य प्रदेश के कटनी शहर आ गए थे। इसके बाद अगले 14 साल तक उनके पिता प्रेम कोहली ने इसी शहर में मुकाम जमाया था। 1961 में विराट के पिता प्रेम कोहली अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। यही विराट का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के कटनी में अपने परिवार से मिलने विराट आखिरी बार 11 साल पहले वर्ष 2005 में गए थे। इसके बाद वे वक्त की कमी के चलते वहां फिर से कटनी शहर नहीं जा सके। अगर 1947 में विराट के परिवार ने भारत आने का फैसला न किया होता तो ये किंग आज पाकिस्तानी टीम में ही हो सकते थे। ये तो उनकी लाइफ की हमने बात कर ली, लेकिन विराट की लव लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी लव लाइफ की बात करें तो विराट को प्यार भी हुआ तो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से। किसी जमाने में दुनिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहे विराट ने अनुष्का शर्मा से शादी रचाई। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद विराट ने इटली में अनुष्का से शादी कर ली। शादी से पहले दोनों ने लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। दोनों पहली बार एक शैम्पू के एड के दौरान मिले थे। दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। विराट कोहली देश के बच्चे बूढ़े हर एक के दिल में बसते हैं और सभी के दिलों पर राज भी करते हैं और करते रहेंगे। टैलेंटेड इंडिया की पूरी टीम की ओर से विराट कोहली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।